बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अज़ीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए डॉट न्यूज़। ए डॉट न्यूज़ शादी के फंक्शन के हवाले से मुख्तलिफ मालूमाती प्रोग्राम्स आपके लिए पेश कर रहा है और इन प्रोग्राम्स का नाम शादी सीरीज़ रखा गया है। जी नाज़रीन, दुल्हन के कपड़े, जैसा कि हम लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ार आपको दिखा रहे हैं और दुल्हन के कपड़े भी दिखा रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनारी बाज़ार लाहौर का। ये बड़ा मशहूर और कदीमी बाज़ार है दुल्हन के कपड़ों के वाले से, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे नाज़रीन को दुल्हन के कपड़े दिखाएं। ये देखें ना, जैसे ये ब्राइडल है, ये लगा हुआ है, लहंगा है, चोली है, दुपट्टा है, इसके अलावा ये ड्रेस लगा हुआ है, ये भी दुल्हन का है, और ये मुकम्मल ड्रेसेस होते हैं। ये सारे दुल्हन के ड्रेसेस लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं ना। ब्राइडल ये होता है रेड कलर फर्स्ट डे का, सेकंड डे में मैक्सी चलती है, वो चाहे आप कोई भी कलर बनवा लें। इसका रेट क्या है? रेट ये इसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं, रेट समझें कि 50,000 रुपये का है, 70 का, 80 का, 90 का, 1,00,000 का, 2,00,000 का, मस इसी तरह चलता जाता है। ये बार्गेनिंग प्राइस बता रहे हैं, 5 फिक्स प्राइस? ये आपको समझें बार्गेनिंग करनी पड़ती है। हम अगर 1,00,000 बताते हैं तो कस्टमर कहेगा जी 50 लगा लो, 70 लगा लो, 80 लगा लो, फिर हमें करनी पड़ती है। इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन हम बनाते हैं तकरीबन 125 में बनता है हमारा ये पूरा ड्रेस। दुपट्टा 4 साइड बना हुआ है, पास का दुपट्टा 1 साइड बनता है, लेकिन इसका 4 साइड बॉर्डर है, जिसका काम थोड़ा सा हैवी होता है उसके चार्जेस बढ़ते हैं। तो इसकी क्या कस्टमर को कहाँ तक देते हैं? ये अगर हम 125 बताएं ना, तो ये लास्ट टू लास्ट फाइनल जो होगा ना 95 या 1 का होगा, यानी कंप्लीट रेडी टू वेयर होगा, कपड़ा, काम, स्टिचिंग, सब कुछ, एवरीथिंग तैयार। जी नाज़रीन, कनारी बाज़ार लाहौर में मौजूद हैं, दुल्हन के कपड़े आपको दिखा रहे हैं, एक और शॉप पर आए हैं, आइए इनसे भी जानते हैं, दुल्हन के कपड़े आपको दिखाते हैं और उनके रेट्स भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुल्हन के कपड़े दिखाएं कौन कौन से? बेसिकली दुल्हन के कपड़े जो ब्राइडल में चले जाते हैं, अगर आप फर्स्ट डे के लिए जाते हैं तो वो बारात के लिए ब्राउज लहंगे में ज़्यादा वैरायटी है, और मैक्सी लहंगा आजकल चल रहा है, और अगर वलीमे के लिहाज से कहते हैं तो फिर वो मैक्सीज ही चल रही हैं। ये जो लहंगा है इसकी क्या प्राइस? सर ये वाला जो लहंगा लगा हुआ है ये 350 में है। फाइनल है? नहीं, फाइनलाइज तो नहीं होता, वो जाहिर सी बात है ये मार्केट है ही बार 3.5 लाख आप बता रहे हैं। फाइनल कहाँ तक देंगे? फाइनल कस्टमर पे डिपेंड करता है, फाइनल कभी भी हमारा नहीं होता। आप एक जेन बनाया होता है कस्टमर ने कि हम इसको यहाँ तक हमने फाइनल देना है, फाइनलाइज ये 280 में हो जाएगा। 280 फाइनल है। और ये जो आपने लहंगा डिस्प्ले किया है इसकी क्या प्राइस है? ये इससे हैवी आ जाता है, ये 380 की रेंज में आ जाता है। और इसका फाइनल कहाँ तक? इसका फाइनलाइज्ड आपको कह लेंगे 350 की रेंज तक फाइनल हो जाएगा। नाज़रीन, कनारी बाज़ार लाहौर में मौजूद हैं और दुल्हन के ड्रेसेस और उनके रेट्स आपको बता रहे हैं, एक और शॉप पर आए हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे नाज़रीन को दुल्हन के ड्रेसेस बताएं कौन कौन से आपके पास? सर फर्स्ट टाइम ये हमारे पास लहंगा लगा हुआ है, ये लगा हुआ फर्सी स्टाइल में, ठीक है, इसके साथ आया था शॉर्ट ब्लाउज में, एक ये है और एक ये फुल हैवी ब्लाउज के साथ लगा हुआ है, और एक ये आम जो रूटीन में लहंगे चलते हैं, यानी कि नॉर्मल लोग जो अचीव कर सकते हैं इसे। इसकी क्या प्राइस है? ये वैसे मैक्सिमम बताते हैं 120 तक, ये फाइनल हम 90 तक दे देते हैं कस्टमर के लिए। और ये जो है ये बना हुआ 150 में, ये हम 130-120 की रेंज में दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके जो पीछे ये वाला 175 की रेंज में है, ये भी हम 150 तक दे देते हैं, ठीक। और ये जो आपने डिस्प्ले किया हुआ है ये सर थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका फ्लेयर ज़्यादा होता है, ये हम 190 बताते हैं इसको, 160-170 तक दे देते हैं, इसमें कपड़ा फैब्रिक स्टिचिंग इंक्लूड होता है। जी नाज़रीन, कनारी बाज़ार में हम मौजूद हैं और दुल्हन के ड्रेसेस आपको दिखा रहे हैं, एक और शॉप पर आए हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुल्हन के ड्रेसेस के वाले से बताएं कि आजकल कौन कौन से? दुल्हन के वाले से जो फर्स्ट डे के वो ज़्यादा शॉर्ट शर्ट के साथ, फर्शी लहंगा लॉन्ग शर्ट के साथ वो ज़्यादा बन रहे हैं, और आजकल एक ट्रेंड चला है आगे से ओपन मैक्सी के साथ, वो भी ब्राइडल बन रहे हैं उसमें। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन जो कॉस्ट पड़ रही है ना कपड़े के साथ, ये 180-190 के करीब इसकी कॉस्ट पड़ रही है। और कस्टमर को क्या बताते हैं? तकरीबन 230-220 में ये इजी बुक हो जाता है। इतनी ही सेम बने हैं इसके बैकफ्रंट काम है इसके, इतना ही रेट बताते हैं या ज़्यादा बताकर इतने मिले? बताते तो थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बार्गेनिंग तो इस काम का हिस्सा है, वो बताते हैं तो तभी इस रेट पर ये बात होती है। ये कौन सा स्टाइल लहंगे? ये फर्शी लहंगा है। जी नाज़रीन, कनारी बाज़ार में हम मौजूद हैं और दुल्हन के ड्रेसेस आपको दिखा रहे हैं, एक और शॉप पर आए हैं, यहाँ पे भी हम आपको दुल्हन के ड्रेसेस और उनके रेट्स बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हमारे नाज़रीन को दुल्हन के जो ड्रेसेस हैं वो बताएं। दुल्हन के ड्रेसेस मुख्तलिफ रेट में होते हैं, किसी की लाखों में रेंज है, किसी की हज़ारों में रेंज है, हमारे पास जो ड्रेसेस हैं मुख्तलिफ रेट में है। ये जो लहंगा लगा हुआ है इसकी ये है, ये 130 में है। ये फाइनल है? नहीं, फाइनल तो कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन हम रेट बताते हैं, फाइनल तब भी होता है बार्गेनिंग जो हम। कहाँ तक देते हैं कस्टमर को ये 130?
वन प्लस होता है, 1,10,000 लाख ऐसे होता है ये। और ये जो आपने इतना खूबसूरत भारी है इसमें, ये लहंगा मैक्सिमम 2.5 लाख का है। हमारे नाजरीन को ये करीब से करके दिखाएं ज़रा, ताकि इसका जो है ना पूरा वो, ये लहंगा मैक्सिमम 2.5 लाख का है, ठीक है। वैसे लिबर्टी चल जाए ये 3.5-4 लाख का है, लेकिन यहाँ आपको ये फ्रंट बैग बना हुआ है लहंगा, ये 2.5 लाख है मैक्सिमम। ये जो है ना आपको 220 में जो है ना ये फाइनल हो जाता है हमारा। कनारी बाज़ार में हम मौजूद हैं और दुल्हन के ड्रेसेस आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ रेट्स भी बता रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं रेट्स और दुल्हन के कपड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हमारे नाज़रीन को दुल्हन के ड्रेसेस दिखाएं। सर ये ब्राइडल वेयर फर्स्ट डे में है, उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये सेकेंड डे की है मैक्सीज, और ये लहंगा, और ये पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं। इनके रेट्स क्या है? ये जो आपके पीछे लहंगा लगा इसका रेट क्या है? सर रेट इसका है 170 और 160-150 तक हम लास्ट करते हैं। दूसरा ये कि हमारे काम की जो है एक क्वालिटी है और हमारा एक मेयार है, जितना भी आप काम देखेंगे ये निडल और भरी काम हुआ होगा। इन्हीं के ये बैक से आप देखेंगे तो ये आपको काम हमारा नज़र आएगा कि सारा निडल से है। ये गांव वगैरह से नहीं हमारा काम तैयार होता, लाहौर हमारा यूनिट है, वहीं से कारीगर तैयार करते हैं, बच्चे ही औरतें नहीं करते। मगर मार्केट के हालात ये हुए हैं कि सीज़न है और हम फारिग बैठे हुए हैं, 2 माह से हमारा सीज़न आउट हो चुका हुआ, जबकि हमारा ये सीज़न है और मार्केट में कुछ है नहीं, बिल्कुल फारिग। और प्राइस यहाँ तक बढ़ चुके हैं मटेरियल्स के हम भी फंसे हुए हैं और जो बनवाने आता है वो भी फंसा हुआ, वो भी मजबूर है। जी नाजरीन, कनारी बाज़ार लाहौर में हम मौजूद हैं और दुल्हन के ड्रेसेस आपको दिखा रहे हैं। इस हवाले से एक और शॉप पर आए हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि दुल्हन के ड्रेसेस ये दिखाएंगे हमें और रेट्स इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुल्हन के ड्रेसेस हमारे नाजरीन को बताएं कौन कौन से? एक तो ये आपके सामने लगा हुआ है और इसमें देखें पिट्टे का काम भी सला हुआ है, दबके का काम भी है, साथ जूलरी वर्क के साथ है ये। इसकी क्या प्राइस है? सर ये जिस तरह बना हुआ है ना ये 140 की रेंज का है। फाइनल प्राइस? सर निगोशिएबल होता है, ये नहीं कि फाइनल नहीं होता। 140 में कितना लेस करते हैं? सर डिफरेंट ही होता है, मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये कस्टमर आपके पास लेने आएगा तो कितने तक देंगे? सर अगर कस्टमर लेने आएगा तो इसकी बुकिंग कह लें 110 तक होगी। और इसके साथ ये जो ये लहंगा जो है इसकी क्या प्राइस है? जो इसकी प्राइस है इसका दुपट्टा हैवी बना हुआ है विद जाल के साथ है, तो ये तकरीबन 160 की रेंज का है लहंगा। और इसके अलावा ये इधर ये मैं आपको नाजरीन दिखा सकूँ ये वाला, इसकी क्या प्राइस है? ये 120 की रेंज का। और ये वाला 130 की रेंज का। सर 130 की रेंज का। और ये एक फ्रंट पे डिस्प्ले किया हुआ है ये वाला, ये 110 में है। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये 110 में है। जी नाजरीन, कनारी बाज़ार में हम मौजूद हैं और दुल्हन के ड्रेसेस आपको दिखा रहे हैं, तो इस हवाले से जो है हमने आपको कनारी बाज़ार में मुख्तलिफ दुकानों का विज़िट कराया, रेट्स बताए और कपड़े भी दिखाए कि यहाँ पे किस तरह के कपड़े तैयार होते हैं, लहंगे दिखाए और दुल्हन के मुतल्लिक कपड़ों के हवाले से तमाम मालूमात आप तक पहुँचाएँ। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।